बजाज की जो बाइक्स है ना उसकी प्राइसिंग हमेशा से बहुत ही लो रही है। अब पल्सर 125 जो निकाल दी तो कोई लेके घूमता तो फर्क ही पता नहीं लगता, अगर पीछे की बैजिंग छुपा लो या एकदम। ये बाइक एक यूथ से लेके एक मैच्योर्ड 45 से 50 की एज वाले बंदे भी इसको चलाते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली पल्सर 150 लवर्स के लिए, बिकॉज आप देख सकते हो मेरे सामने 2022 पल्सर 150 ट्विन डिस्क टॉप वेरिएंट है। एंड आज जैसा कि आपको थंबनेल एंड टाइटल से पता लग गया होगा कि शुड यू बाय पल्सर इन 2022, तो आप में से कोई भी 130,000 से 140,000 के बजट में एक 150 या 160 सीसी की बाइक लेने का प्लान कर रहा है, तो पल्सर जो कि सबसे ओल्ड ब्रांड है इंडियन मार्केट में 150 सीसी के सेगमेंट में भी देखा जाए, तो ये बाइक लेना है कि नहीं आपके लिए वो मैं शेयर करने वाला हूं। ऑल राइट गाइस, चलते इस बाइक को राइड करने के लिए। एंड कार वाली फील आ रही है मुझे, बिकॉज ओनर ने एक पूरी की मॉडिफाई करा के रखी है जो कि बहुत ही कूल लग रही है। ऑनलाइन में डाल दूंगा आपको कहां से ये परचेज करिए। सो चलते हैं। सबसे पहले तो यार मैं इनिशियल पिकअप से ही स्टार्ट करना चाहूंगा। एग्जॉस्ट नोट आप सुन सकते हो, एक बार जरा 100 ले जाता हूँ मैं सबसे पहले गाड़ी को। गाइस अभी 1% भी मुझे वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैंडल बार पर, 90 की स्पीड हमने गेन कर ली है। सिर्फ 100 तक ले जाऊँगा, मैं आपको इसकी रिफाइनमेंट बताना चाहता हूँ। हंड्रेड पे मैं राइड कर रहा था, जो इसकी कंट्रोलिंग है ना यार नेक्स्ट लेवल है। इंजन स्पेसिफिकेशन के पहले भी मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, इस बाइक का वेट है 150 केजीज, मतलब स्पेशली 150 सीसी के सेगमेंट में देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट सारी बाइक से इसका वेट ज़्यादा है। अगर आप MT15 को कंसिडर कर रहे हो 10 से 12 किलो, उससे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अपाचे 160 को कंपेयर करते हैं तो उससे भी वेट कंपेयर करें तो 10 से 12 किलो ज़्यादा है। तो देखो उससे दो चीज़ में फ़ायदा है, एक तो यार आपको स्टेबिलिटी तो मिलेगी हाईवे पे, दूसरी चीज़ जब भी आप लीन करते हो ना गाड़ी को ऐसे, ये जब लीन करते हो तो नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस से यार ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। अब इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2-valve DTSI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, जो कि अराउंड 14 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 13.2 Nm का टॉर्क। पल्सर का पहला मॉडल आया था 150 की बात कर रहा हूँ 2001 में, एंड आज ईयर चल रहा है 2022। जो गाड़ी 21 से 22 साल से इंडियन मार्केट में है एंड लोग उस गाड़ी को उतना परचेज भी कर रहे हैं, इतना पीक पे इसका सेल है, उसी से आप इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी लो मेंटेनेंस, इसके रीसेलिंग का अंदाज़ा लगा सकते हो, जो कि मैं बाकी कंपनी बताना चाहूँगा, स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर रहा हूँ बट बाकी कंपनी ये चीज़ दे नहीं पाती, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ है इंजन की रिलायबिलिटी एंड बिल्ड क्वालिटी, वो पल्सर में आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। माना मैंने जो पुरानी पल्सर थी ना उससे थोड़ा इसकी बिल्ड क्वालिटी लाइट कर दी है, बट फिर भी बुरी नहीं है। अभी आप देख सकते हो मैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट चला रहा हूँ एंड ये स्पार्कल रेड ब्लैक कलर है, 9 कलर आपको इसमें ऑफर करे जाते हैं। तो अगर आप प्राइसिंग की बात करें जो कि सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बजाज की जो बाइक्स है ना उसकी प्राइसिंग हमेशा से बहुत ही लो रही है। अब इन द ईयर 2022 लेटेस्ट इसकी प्राइस की बात करें तो स्टार्टिंग वेरियंट आता है 1,05,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, एंड ये जो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है ट्विन डिस्क के साथ ये आपको अवेलेबल हो जाएगा अराउंड 1,16,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। अब इसे ऑन रोड प्राइस अगर मैं बताना चाहूँ तो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट इंदौर में हमने इसे परचेस करा था 1,31,000 रुपीज़ में, तो 1,30,000 में आपको ये 150 सीसी की बाइक मिल रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया यार, एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आता है। एंड अभी देखो MT15 का एक अलग ही फैन बेस रहा है, MT15 की अगर प्राइस की बात करें ना तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लगती है, बिकॉज ये अभी V2 आने के बाद तो 2 लाख पार हो गई है, 2 लाख 5 हज़ार, और उसके कंपैरिजन में मुझे वो इतनी रिफाइनमेंट नहीं लगती है। MT15 का एक अलग ही फैन बेस था, बट V2 से अब उसका सेल भी बहुत ही कम हो गया है, बिकॉज मैं इसे 80 तक चला रहा हूँ ना मुझे वाइब्रेशन कुछ भी नहीं आ रहे, नई MT में भी नहीं आ रहे थे, बट यार वो साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही थी, हालांकि वो स्पोर्टी नोट भी लग सकता है काफ़ी लोगों को, बट ये बाइक कैसी है पता है? ये बाइक एक यूथ से लेके एक मैच्योर्ड 45 से 50 की एज वाले बंदे भी इसको चलाते हैं, यही इस गाड़ी की खासियत है। सबसे पहली चीज़ यार, किसी को गाड़ी चाहिए जिसका एक फैमिली है, बच्चे हैं, सबको बिठा के ले जाना है, तो कहीं ना कहीं बाकी गाड़ियों में इतना कंफर्टेबल नहीं रहता जितना पल्सर में। पल्सर में आप पीछे
एक बच्चे को, अपनी वाइफ को, सिस्टर को, फ्रेंड को, किसी को भी बिठा सकते हो, कंफर्टेबल रहती है। अभी हमने अराउंड 100-120 किलोमीटर राइड करा, जैसा कि माइलेज टेस्ट के लिए आज का कंटेंट शूट करने आया था। तो एक चीज़ मैंने ये फेस करी, आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे पिलियन 30-40 किलोमीटर के बाद तो यार उसको पेन होने लग जाता है, तो वो कंफर्टेबल नहीं लगी मुझे पीछे की सीट। तो ये मैंने पर्सनली फेस करा। ये पल्सर का जो लुक है पिछले आप 5 से 7 साल में देखोगे एक जैसा ही है, तो वो चीज़ लोगों को बोर करती है। तो वो भी सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है। अभी हम देखो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट यार ये जो कंट्रोलिंग है ना, लीन करने का जो मज़ा है। अब ब्रेकिंग की भी बात कर लेते हैं। देखो ब्रेकिंग तो बहुत ही बढ़िया है, फ्रंट में डिस्क, रियर में भी डिस्क है, बट फ्रंट का डिस्क मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगा। अब देखो 1,30,000 रुपये आप दे रहे हो, लुक्स आपको पहले जैसे मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो इसकी फीचर्स है, जैसे कि लोग बोलते हैं यार आज भी हमें फ्रंट में हेलोजन लाइट या इसका डिजिटल एंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, बिकॉज आज की तारीख में लोग LED DRLs के साथ पूरे प्रोजेक्टर लैंप्स आजकल बाइक में आ रहे हैं, LED क्लस्टर भी आ रहा है, बट फिर भी इसमें ओल्ड टाइप एनालॉग दिया है। कहीं ना कहीं हर कंपनी का अपना एक वो रहता है फैन बेस, बिकॉज फीचर्स देने में क्या, रॉयल इनफील्ड भी अपनी क्लासिक और सब में LED हेडलैम्प दे सकती है, बट आपने ऑब्जर्व करा होगा आज तक कंपनी ने नहीं दिया है, वही एनालॉग मीटर आते हैं। तो वो चीज़ है यार, यही चीज़ बजाज ने भी मेंटेन करके रखी है। और कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा फीचर्स इग्नोर कर रहे हो और थोड़ी एक रिलायबिलिटी वाली चीज़ पर जा रहे हो ना, तो बजाज का तोड़नी है। एक और चीज़ जो देखो पर्सनली मैं भी बताना चाहूँगा, मैं इस गाड़ी की तारीफ़ करने नहीं आया हूँ, एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, अब कोई 150 cc की बाइक ओन कर रहा है। अब पल्सर ने उसी सेम लुक में, ऑलमोस्ट सेम लुक बोलना चाहूँगा मैं, पल्सर 125 निकाल दी। अब पल्सर 125 जो निकाल दी, तो कोई ले के घूमता तो फ़र्क ही पता नहीं लगता, अगर पीछे की बैजिंग छुपा लो या एकदम एक बार में एक झलक में पता नहीं लगता कि यार वो कौन सी बाइक है 125 की 150। जैसे कि 150 और 180 में देखोगे तो 180 का थोड़ा मास थोड़ा बोल्ड था, तो वो एक लोगों को चीज़ कंसर्न करती है। बट देखो MT15 को तो कंपटीशन से हटा देते हैं, बिकॉज वो बहुत ही हाई प्राइस्ड हो जाती है, 70-80 हज़ार रुपये का फ़र्क है, 80 तो नहीं 70 से 75,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। बट आप बाकी दूसरी 150 cc की सेगमेंट में देखोगे ना, तो अपाचे 160 हो जाती है, वो भी थोड़ी हाई प्राइस्ड है, बट हाँ देखो मैं बेकार नहीं बोलूँगा, वो बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। बट इसका माइलेज हम टेस्ट तो करने ही वाले थे एक्चुअल, वो मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आऊँगा, बट जो ऑलमोस्ट ओनर्स को दे रही है ना, बहुत सारे ओनर्स को वो दे रही है 55 तो आराम से देती है। अगर आप हाईवे पे इकोनॉमी पे चला रहे हो तो 60 तक भी दे सकती है, बट एक अगर अंदाज़ा लगा के चले तो आपको 50 से 55 तो ये माइलेज देने वाली है। तो माइलेज से रिलेटेड तो आप बेफिक्र रहो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट चीज़ अगर पोस्चर की बात आती है, तो पोस्चर तो यार इसका बहुत ही स्पोर्टी है, बिकॉज इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल जाते हैं। और अगेन बोलना चाहूँगा, ये जो लीन करने का मज़ा है ना, एक वेटेड गाड़ी चिपक के चलती है रोड से। सीट हाइट की बात करें तो 785 mm की सीट हाइट है, तो जो भी कोई एवरेज इंडियन राइडर है 5'5" 5'6" वो भी इसको इजीली चला सकता है। सस्पेंशन की बात करें तो मुझे तो रिस्पॉन्सिव ही लग रहे हैं, फ्रंट एज वेल एज रियर में, कहीं स्टिफ या सॉफ्टर साइड नहीं बोलना चाहूँगा। एज सच जो एकदम ब्रेकर आते हैं ना, मतलब हाईवे पर जो ऐसा पैच आता है ना, वो तो फील होता है, बट ऐसे जो भी कोई एकदम पैचेस बने हुए वो फील नहीं होते। जैसे कि अगर मैं पैच से निकालना चाहूँ तो ये पैच फील नहीं हो रहा है, इतना फील नहीं हुआ, हालांकि दच के खुदाना ने जी आपको शो करने के लिए दिखाया मैंने। ओवरऑल टॉर्क भी अच्छा जनरेट कर लेती है, इसके पावर फिगर्स पे मत जाओ, सफिशियंट पावर फिगर्स है, ऑन द पेपर बहुत कम लगते हैं, बट चलाने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इसका जो DTSI इंजन है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर देखो यार लो फ्यूल है, तो कोई लाइट तक ब्लिंक नहीं करनी, ये बस एक ब्लैक में ब्लिंक कर रहा है, तो कोई नया चला रहा हो तो उसको समझ भी नहीं आएगा। तो कम से कम कंपनी को थोड़ी अलग लाइट देना थी, रेड या येल्लो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पल्सर में इम्प्रूव करना चाहिए बजाज को, हालांकि NS160 एंड बहुत से पल्सर में सेगमेंट्स आ चुके हैं, बट ये सबसे ओल्ड सेगमेंट है, लोगों का ट्रस्ट है इस पर, इसलिए गाड़ी लोग लेते हैं। अब ओवरऑल देखो बेसिक तो सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर कर ही दी है, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा आप कंक्लूजन की ओर आए, इस गाड़ी को लेना है कि नहीं। सबसे पहले तो आप प्राइसिंग देखो, 1,30,000 रुपीज़, तो यार वो भी टॉप वेरिएंट के लिए। तो आज की तारीख में जहाँ एक्टिवा ही 1,25,000 की आ रही है, एंटॉर्क या 125 cc की स्कूटर ही 1,20,000 तक जा रही है, तो 150 cc की वो भी बाइक के लिए आपको 1,30,000 रुपये देना कोई ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज़ जहाँ फीचर्स की बात आती है ना, तो देखो फीचर्स अगर आपको यहाँ ब्लूटूथ भी दे देंगे ना, तो कोई डेली पर्पज़ पे उसको यूज़ नहीं करता है,
एंड हाँ, एलईडी सेगमेंट वाली जो चीज़ें हैं वो कंपनी को करना चाहिए, लुक में थोड़े अपग्रेडेशन और कर देना चाहिए। 15 लीटर का फ्यूल टैंक तो यहाँ पर मिलता ही है जो कि काफ़ी एग्रेसिव है, बट फ्रंट एंड रियर लुक्स को थोड़ा और अपग्रेड कर देंगे, पुरानी गाड़ी से थोड़ा अलग कर देंगे, एंड जो सेगमेंट्स है ना 125 150, वो रोड पर अलग ही डिफरेंस झलकना चाहिए, वो एक चेंजेस कर देंगे ना कंपनी तो और इसका मार्केट बढ़ जाएगा। बट हालांकि देखो, भले ही लिमिटेड लोग ले, पल्सर 150 का एक अलग ही सेगमेंट रहा है इंडियन मार्केट में, बिकॉज मैं जब आज से लेके 5-7 साल पहले देखे ना, पल्सर 220 एंड पल्सर 150 सबसे ज़्यादा दिखती थी रोड पे। तो ओवरऑल चॉइस आपकी है, आप अगर एक फैमिली पर्पज़ के हिसाब से भी गाड़ी कंसिडर करना चाह रहे हैं ना, बिकॉज देखो जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ी एग्रेसिव डिज़ाइंस पर जाएंगे, एग्रेसिव पिकअप पर जाएंगे, एंड वो कहीं ना कहीं माइलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बट जो कोई एक पावरफुल गाड़ी चाह रहा है, डेली अप डाउन के लिए भी 50-70 किलोमीटर हमें जाना है, अच्छा खासा माइलेज मिल जाए, स्टेबिलिटी मिले, मतलब कोई ट्रक पास से जा रहा है तो गाड़ी झूले ना बाकी गाड़ियों जैसी, तो पल्सर 150 आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। एंड इन फ्यूचर इस गाड़ी की आपको रीसेलिंग भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। जब मैंने इसको लीन करा ना, ऑटोमेटिक आपको अगर लीन करना नहीं आती ना, फिर भी आप लीन करने जाओगे, ऐसा ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। अब जो भी कोई यार इस वीडियो के थ्रू चैनल पर आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। पल्सर पर आपका व्यू क्या है, आप में से कोई ओन करते हो काफ़ी सालों से, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी मुझे कॉमेंट में शेयर कर देना। सब मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।